खोलेंगे सबके राज, राजनामा दुनिया के साथ, मैं पूनम। सीएम योगी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 33 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में नई टाउनशिप नीति को पास किया गया। इसके तहत छोटे शहरों में कॉलोनी बनाई जाएगी। वहीं छोटे व्यापारियों को 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा देने के लिए MSME के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। इसका फायदा सालाना 1 करोड़ टर्नओवर वाले व्यापारियों को मिलेगा। इसके अलावा 6 जिलों में मेडिकल कॉलेज को और विकसित करने के प्रस्ताव को भी पास किया गया है। इनमें महोबा, बागपत, कासगंज, हमीरपुर, मैनपुरी और हाथरस शामिल हैं। सरकार इन्हें PPP मॉडल पर विकसित करेगी। साथ ही आगरा और मथुरा में हवाई सेवा के लिए हेलीपैड बनाया जाएगा। इसके लिए निजी निवेशकों को बुलाया जाएगा। वहीं मथुरा चीनी मिल का दोबारा चलाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है। कौशाम्बी के सिरातू में इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सलेंसेस फॉर फ्रूट की स्थापना होगी। इसके लिए कृषि विभाग की भूमि उद्यान विभाग को निःशुल्क देने का प्रस्ताव है। वहीं 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस मनाए जाने का प्रस्ताव पास हुआ है। इसके साथ ही कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी मिली है। इसी के साथ बने रहे राजनामा दुनिया के साथ। धन्यवाद।